मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफी काम का वीडियो है ये, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्यूटर की फील्ड में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, या उन्हें कंप्यूटर पसंद है, कंप्यूटर की चीजें नॉलेज पसंद है और वह चाहते हैं कि कंप्यूटर में जो है एक अच्छा करियर बन सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर हमें क्या क्या करना चाहिए एट ए टाइम। और रहा सवाल दोस्तों एट ए टाइम का, तो इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत ही सिर्फ कंप्यूटर की बची है, जैसे कि हालात हैं पिछले 2 साल से आप देख सकते हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, इनके स्टूडेंट्स और जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी कंप्यूटर के फेवर में जा रही हैं। वर्क फ्रॉम होम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने घर से ही लर्निंग शुरू कर दी है, वह सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपके फ्यूचर के लिए। मैं 5 ऐसे कोर्सेस लेकर आया हूँ जिन कोर्सेज को करके जो है आप लोग आगे आ सकते हैं और बहुत अच्छे जॉब्स जो है आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आएगी वो यही आएगी कि आप लोगों का मोटिव सिर्फ सर्टिफिकेट लेना नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सोचें कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका, इस कोर्स का, ऐसा, तो दोस्तों आप उस नॉलेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। और एक बात याद रखिए, आप जो भी जहाँ तक भी जिस मंजिल तक पहुँचेंगे वहां तक आपके सर्टिफिकेट्स और आपकी डिग्री नहीं, आपकी नॉलेज आपको लेकर जाएगी। दोस्तों मैं आपको ऐसे कुछ कोर्सेज बताता हूं कंप्यूटर की फील्ड में। सबसे पहले दोस्तों जो एक बहुत ही ज्यादा सुना हुआ है हमारे इंडिया में, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे में जो है हम कह सकते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो हम कहते हैं, और बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो होता है दोस्तों वो एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप एमएस ऑफिस की बात कर सकते हैं, आप एक्सेल की बात कर सकते हैं, आप जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, आप जो है वेब डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम आपको बताएंगे। ईमेल कैसे करना चाहिए, ईमेल कैसे रिसीव करना चाहिए, हम मेल कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है हमारे इस टाइम पर, उसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है एमएस ऑफिस का कोर्स कहीं से करना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी शुरू हो गए हैं, आप ऑनलाइन काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी संस्थान हैं जो ऑनलाइन ये कोर्स शुरू करा रही हैं, जिनकी मदद से आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं और ऑफिस को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में आज भी एमएस ऑफिस को लेकर काफ़ी मजाक बनाया जाता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि आज भी एमएस ऑफिस के ये तीनों टूल्स कोई अच्छे तरीके से नहीं जानता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो मैं लेकर आया हूँ वह है जुड़ा हुआ डिजिटल मार्केटिंग से। आप लोगों ने ये सबसे ज़्यादा ये वर्ड आजकल सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, एक ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन लाना, एक ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस बनाना, मोनो डिज़ाइन करना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करना जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी रीच जो है वाया ऑनलाइन काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचे, इस माध्यम से जो है हम डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानने लगे हैं। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका जो है एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं करियर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम कर सकता है और वाई आर दीज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग, ये आप लोग जो है आप चाहें तो यूट्यूब पर या आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर ये पता कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर क्या क्या आता है और कैसे हम इसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है कंप्यूटर की फील्ड के लिए। एक दोस्तों तीसरा है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी जो अर्थशास्त्र में और इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं या कमर्शियल जो भी है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए टैली बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर पर काम करना तो टैली कोर्स आप लोगों को आना चाहिए, टैली कोर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक्चुअल में दोस्तों ये सिर्फ ऐसा होता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, और उसके बढ़ने का कारण है दोस्तों सिर्फ पास हो जाना और अच्छे नंबर ले आना और जो है हम कह सकते हैं एक ग्रेड लाकर सर्टिफिकेट लेकर घर बैठ जाना,
लेकिन दोस्तों टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो है आप अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, और आप आने वाले फ्यूचर में देखेंगे कि टैली का इस्तेमाल कितने एडवांस लेवल पर चला जाएगा। और आप टैली के इस्तेमाल के लिए, आप टैली का कोर्स अगर सीखना चाहते हैं तो आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये सब आप जो है पता कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन लर्निंग माध्यम भी काफ़ी सारे आ गए हैं जिनकी मदद से आप ये सब काम कर सकते हैं। हमारा चौथा कोर्स है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जो डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा परिपक्व होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी होती है, वह लोग जो है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनका लोगो डिज़ाइन करना। और जो बेसिकली इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर चलते हैं, आप लोगों ने अपने स्कूल में और अपने कॉलेज एजुकेशन में भी देखे होंगे, एक का नाम है कॉरल ड्रॉ और एक है फोटोशॉप। फोटोशॉप तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है फोटोशॉप की, फोटोशॉप भी आपको आना चाहिए और आपको कॉरल ड्रॉ भी आना चाहिए। जितनी भी आप डिज़ाइनिंग देखते हैं और जितनी भी ये क्रिएटिव डिज़ाइनिंग जो होती है दोस्तों, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज के अंदर आती है, और ये भी एक काफ़ी अच्छा माध्यम बन सकता है। इसमें आप खुद का भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपकी डिज़ाइनिंग आप फ्रीलांसिंग पर डाल सकते हैं, और डिज़ाइनिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर आप अपने व्यापार को जो है ऑनलाइन भी इजीली चला सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए। एक और लास्ट कोर्स मैं जो लेकर आया हूँ, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है और आगे चलने वाला है, इसका अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एंड आने वाला है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ओरेकल, ये सब आपने जो सुने होंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो है आजकल तो अब इतना अपडेट हो गया है कि स्कूल लाइफ में ही बच्चों को सी, सी प्लस प्लस पढ़ाया जाना शुरू कर दिया है। हमारे टाइम तक ये सब कॉलेज में हुआ करता था, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दोस्तों अब बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्सेज को और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं, आप उसका ज्ञान भी ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इसमें फ्यूचर है, इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग करना आती है तो आप जो है अच्छे से अच्छा जॉब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड में पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 5 ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज जिनकी मदद से जो है आप अपने करियर को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात फिर ध्यान रखिएगा, ये कोर्स आपको सिर्फ सर्टिफिकेट या नंबर प्राप्त करने तक नहीं करने हैं, आपको खुद से अगर कुछ करना है तो आपको इनकी डेप्थ नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपकी जॉब बड़ी आसान हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।